सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सुदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बिदर में मुल्क से गद्दारी के मुकदमात में गिरफ्तार और जेल में महरूस दो खवातीन फरीदा बेगम हेडमिस्ट्रेस और नजमुन निसा से मुलाकात की और उन्हें मदद दिलवाने का तयक्कुन दिया। इन दोनों खातून को बिदर पुलिस ने मुखालिफ CAA एहतजाज में शिरकत पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करते हुए जेल रवाना कर दिया है। आज सदर मजलिस ने रुकन असेंबली कौसर मोहियुद्दीन, कारपोरेटर अजीज यामीन खान के साथ बिदर में गिरफ्तार हेडमिस्ट्रेस फरीदा बेगम और तालिबे इल्म की वालदा नजमुन निसा से मुलाकात की। उन्होंने बिदर SP से भी मुलाकात करते हुए इस गिरफ्तारी की मजम्मत की। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिदर पुलिस ने स्कूल के एक प्ले यानी ड्रामे के सिलसिले में हिस्सा लेने वालों को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। फरीदा मैडम बीमार हैं और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया है। वहीं नजमुन निसा बेवा हैं और अपने बच्चे के साथ तनहा रहती थी। इस बच्चे की देखभाल अब उसके मालिक मकान कर रहे हैं। हमने इस मुश्किल वक्त में मदद और हौसला अफजाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़।